सर्वप्रथम मैं तथागत बुद्ध को नमन करते हुए अपने सभी महापुरुषों का, जिन्होंने समाज सुधार के लिए हमारे लिए अपने जीवन की कुर्बानियां दी, चाहे वो हमारे संत रविदास जी हों, चाहे कबीरदास जी हों, चाहे ज्योतिबा फुले हों, सावित्रीबाई फुले हों, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, माननीय काशीराम जी हों और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने तो हमारे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी, मैं उन सबको नमन करता हूँ, उनके चरणों में जो है कि सादर फूल समर्पित करता हूँ। सहकारियों, अभी आपने बहुत अच्छी जो है कि बातें लोगों से सुनी, कई हमारे साथियों ने भी आकर के अपनी अपनी बात रखी, और हमारे पीआर अंबेडकर साहब, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जो हमारे पीबीएसपी प्रोग्राम के नेशनल कन्वेयर हैं, और माननीय काशीराम जी स्कूल ऑफ डिजाइन थिंकिंग के डायरेक्टर जनरल हैं, तथा साथ ही साथ माननीय काशीराम जी के साथ उन्होंने काम भी किया है, और अपने महापुरुषों पर, अपने महापुरुषों की स्टडी पर पीएचडी भी की है, और वो एक ऐसा कॉलेज स्कूल है माननीय काशीराम स्कूल ऑफ डिजाइन थिंकिंग, जहाँ से आपको जो है कि कास्ट के बारे में भी जो है कि पीएचडी की डिग्री मिल सकती है, दी जाती है। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि वो इस एज में, 72 ईयर की एज में भी देश में घूम घूम करके हमें उन मूलभूत चीज़ों से, जो हम नहीं समझ पाए, जो हमारी कमियाँ रहीं, जो सबसे बड़ी कमी रही कि हम अपने महापुरुषों को समझने में कम पड़े, और कहाँ कम पड़े, उसको हम लोगों तक, आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमारे बीच में हमारे भूतपूर्व एमएलए बलजोर सिंह जी हैं, वो हमें अपना बहुत बड़ा सपोर्ट हर समय देते रहते हैं कि आप लोग जो भी काम कर रहे हो, जो और लोगों से छूट गया है, जो हम अपने महापुरुषों को समझने में कमतर पड़े हैं, और उस चीज़ों को आप लोग आगे ले जा रहे हो, उनका हमें बहुत सहयोग रहता है, और हर समय वो इस एज में भी, मोर देन 75 ईयर से ऊपर की एज में भी जो है कि वो हमारे साथ हर समय रहते हैं, मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दे करके कुछ अपने महापुरुषों के बारे में, जो मेन कड़ी, जो मेन उससे छूट गए थे, जो हम उनको समझने में कमतर पड़े थे, हमने पूरी ये कोशिश करी है कि अगर हम अपने महापुरुषों को समझ पाते कि वो किस तरह से सोचते थे, किस तरह से उनकी थिंकिंग थी, जिसको हम ये कहते हैं कि एक्सप्लोर सम्राट अशोक का, अनएक्सप्लोर सम्राट अशोक को एक्सप्लोर करने के बाद, इसी तरह से अम्बेडकर बाबा साहब के अम्बेडकर को हम कहते हैं कि अनएक्सप्लोर अम्बेडकर को एक्सप्लोर करना, उसके लिए बहुत सारे हमारे संस्थाएँ काम कर रही हैं, बहुत हमारे हमारे लोग काम कर रहे हैं। अगर बाबा साहब ने हमें, अगर उनके जीवन काल से तीन चीज़ें मिलती हैं, जिसमें एक तो ये था कि डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिवोशन, और उसके साथ साथ एम्पैथी जो थी, जो हमारे सभी महापुरुषों में कॉमन थी, वो हमारे बीच से ख़त्म कर दी गई है, जिसको एम्पैथी का मतलब ये होता है कि आप उस जगह पर रह करके अपने लोगों का सुख दर्द खुद समझें, खुद महसूस करें, तब आप अपने लोगों के दुख दर्द को समझ पाएंगे और उसका निवारण ढूंढ पाएंगे। तो वो उस एम्पैथी को भी अपने समाज में कैसे जो है कि फिर से पुनः डेवलप किया जाए, कैसे लाया जाए, वो भी सारी बातें हमारे माननीय अम्बेडकर जी ने समझाई। मूल रूप से मैं इस ऑर्गेनाइजर, जो हमारे अरविंद जी हैं, इस हाल के संचालक हैं ये करदम धर्मशाला के, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जो है कि ऑर्गेनाइज किया, और वो समाज के लिए काफ़ी जो है कि अग्रणी काम करते हैं। उन्होंने खुद बुला करके कहा था कि आप हमारी धर्मशाला में जो है कि, और विदाउट फ्री ऑफ कास्ट, एक बार आप प्रोग्राम करके देखिए। मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ें रह गई हैं, जो चीज़ें छूट गई हैं, वो किस तरह से जो है कि आगे की जाएँ। तो मैं इसके साथ साथ उन सभी साथियों का, जो बाबा साहब ने तीन चीज़ें हमें सीखने मिलती जीवन में, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिवोशन,
और एम्पैथी ग्रेट एंड रिजल्ट। उसके साथ साथ बाबा साहब ने हमें धम कॉन्स्टिट्यूशन दिया। कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल रूप है, हमारे बहुत सारे एडवोकेट साथी हैं वो सारी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्थापना है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को मूल रूप से स्टडी किया है, देखा जाए तो वो सारी चीज़ें हमारे बाबा साहब में सम्राट अशोक की जो चीज़ें थी, जिस समय भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, वो एक ही काल था, वो सम्राट अशोक का काल था। तो उस कैसे उस समय समता समानता और भाईचारा बंधुत्व का समाज स्थापित कर पाने में वो कैसे सक्षम रहे हैं, कैसे सफल रहे थे, वो उन्हीं चीज़ों को सारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी पिरोया है बाबा साहब ने। इसलिए हम सम्राट अशोक को, महान सम्राट अशोक को कभी भी भूल नहीं सकते, कभी भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारे जो मूल स्रोत हैं, जो हमारे बाबा साहब, हमारे महापुरुषों की जो मूल स्रोत है, वो सोच जो है वो वहीं से डेवलप हुई है। और तीसरी चीज़ बाबा साहब ने ये दी थी साथियों, कि आप जो है कि इस नरकीय जीवन से छुटकारा पाना चाहते हो और इस जो धर्म के पचड़े में अंधपाखंड विश्वास में उलझे हो, तो आप इसको छोड़ करके वर्ल्ड के बेस्ट जो है कि जो धर्म है, बौद्ध धर्म है, उसको अपना सकते हो। और उन्होंने खुद उसको अपनाया और खुद भी कहा था कि मेरे बस में नहीं था इस धर्म में जन्म लेना, लेकिन मेरे बस में मृत्यु इस धर्म में नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए मेरी मृत्यु, ये उन्होंने खुद कहा था कि मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं। और अल्टीमेटली उन्होंने हमें बौद्ध धर्म दिया। तो हमारे जो भी साथी जिस भी रूप में हमारे महान पुरुषों के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे वो अम्बेडकर के कितने भी मिशन बना के काम कर रहे हैं, मैं उन सभी का भी आभार प्रकट करता हूँ। वी आर नॉट अलोन फ्रॉम देम, हम उनसे किसी भी तरह से कोई अलग नहीं है। बेसिकली हमारी जो सोच थी वो ये थी कि हम अपने महापुरुषों को समझने में कैसे कमतर पड़े और हमें किस तरह से मानसिक गुलाम बनाया गया, जिसमें जो है कि कास्ट नाम का शैतान जो है कि किसने कैसे आया, जो एक इनका जो इनके हाथ में एक ऐसा हथियार लगा जो हमें मानसिक गुलामी की तरफ ले गया, कैसे हमें बंद पिंजरे में कैद करके डरा के धमका के भय पैदा करके हमारे अंदर जो है कि उस कास्ट को थोपा गया। तो देखो, जब तक हम अपने उस बात को, जब तक बीमारी को नहीं समझ पाएंगे तो डॉक्टर इलाज क्या करेगा। तो हमारी ये सोच थी कि हम लोगों के बीच में इसको भी ले जाएं कि भाई ये कास्ट क्यों आई, कहाँ से आई, कैसे आई और इसका इलाज क्या है। तो हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं, हमारी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, हम एक इंटेलेक्चुअल क्लास डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जिसको NCIC कहते हैं, नेशनल कोऑपरेटिंग क्लास इंटेलेक्चुअल्स, जो हम लोगों को उस पराकाष्ठा की परम सीमा पर लेकर, जिसको हमारे सम्राट अशोक जी ने कहा था, ग्रिड का मतलब होता है कि पराक्रम की पराकाष्ठा। अगर आप किसी चीज़ को, किसी भी उसको स्थापित करना चाहते हो, ले आना चाहते हो, तो आपको उतनी कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी हमारे लोगों में कमी है। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ ये भी हमने ये देखा, ये रिसर्च ऐसा नहीं है कि हम ऐसे आकर के आपको यहाँ पे भाषण दे रहे हैं, इस पर काफ़ी रिसर्च हुआ। हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसको हमारे माननीय काशीराम जी चलाते हैं, और जल्दी ही जो है कि हम उम्मीद करते हैं कि आप एक रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में भी हो जाएगा, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो उसमें यह है कि भाई देखो, हमने जो गुलामी का छत अपने पर मतलब ढो रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी हुए थी कि आपके अंदर से जो थिंकिंग स्किल नाम का इंस्ट्रूमेंट है, जिसको सम्राट अशोक के जमाने में अपनी स्किल विद्या कहते थे, उसको आपको छीन करके कैसे आपको जो गुलाम बनाया गया, कैसे आपको मानसिक गुलाम बनाया गया। तो उन चीज़ों से निजात लाने के लिए उसका उपचार क्या है, हम तो आपको एक उपचार के रूप में हम देना चाहते हैं, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इसका उपचार ये है। अभी हमने बताया, हमारे माननीय जी ने बताया कि भाई कास्ट का अपोजिट कोऑपरेशन है, और कोऑपरेशन अधोतर नेम ऑफ अम्बेडकरियम है। इसी तरह से थिंकिंग स्किल इज लाइफ स्किल, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था एजुकेशन का, उसको जो है कि डिस्ट्रॉय किया गया, उस अब निष्की विच्छा विद्या जो सम्राट अशोक के जमाने में थी उसको डिस्ट्रॉय किया गया, आप लोगों को उससे वंचित किया गया, चाहे आपका IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, ये सर्विस आपको रोजी रोटी का तो हो सकता है कि एजुकेशन, इस एजुकेशन से आपको रोजी रोटी मिल जाए, आप IAS बन जाए, PCS बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन उसके बाद आपको फिर वहीं पे जो है आना पड़ेगा अंटी नल्ले, जब तक आप जो है कि उस अपनी स्किल विद्या को अपने समाज में नहीं ले जाओगे, उस थिंकिंग स्किल को नहीं डेवलप करोगे। तो हमारा जो सोच है, हमारी जो समझ है, वो हम आप लोगों को अपने समाज को एक दिशा और एक डायरेक्टिव देना चाहते हैं, जिसकी जड़ें जो है कि वो साथियों, मैं एक चीज़ भूल गया ये कहना कि हम अपने महापुरुषों को समझने में कम पड़े, हम बाबा साहब को समझने में तो बहुत ही कम पड़े, हम कुछ भी नहीं, बाबा साहब को जाने की कोशिश नहीं की हमने, बस वो अपने अपने फायदे के लिए किसी ने कोई पार्टी बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने बहुत सारे मूवमेंट कर लिए, लेकिन बाबा साहब को समझना इतना आसान काम नहीं था। वो
बाबा साहब जो 200 साल पहले की सोच रखते थे और ये आज नहीं है, उस समय के जो अंग्रेजों ने स्थापित किया था कि बाबा साहब अम्बेडकर अकेले 500 जो है कि ग्रेजुएट्स के बराबर हैं, तो उसको बाबा साहब को समझना इतना आसान नहीं है। और हम जितना समझ पा रहे हैं, हम उतनी उसकी कोशिश कर रहे हैं और भी उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि अगर बाबा साहब होते तो उस कड़ी में उस कैसे सोचते उस चीज़ को। अगर 1932 का पूना पैट ने चमचा गुलाम पैदा किया हमको जो है कि उस पूना पैट की वजह से, अगर वो गांधी की वजह से जो है कि अगर हमारा अगर पूना पैट का समझौता बाबा साहब को कहा था कि भाई जो हम अंग्रेजों से जो है कि छीन कर ले आए थे उसका छिलका गांधी जी ने हमारे मुंह पे फेंक दिया और जूस जो है कि वो खा गए, तो बाबा साहब उस बात को सोचते थे कि बियॉन्ड द पूना पैट। ठीक है, पूना पैट तो हो गया, लेकिन व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव कैन टू डू बियॉन्ड, हाउ कैन वी थिंक बियॉन्ड द पूना पैट। उसके बाद बाबा साहब ने फिर सोच ली, इनलॉज किया सबको। बाबा साहब की सबसे पहली सोच थी ही वांट टू बी सोशल डेमोक्रेसी फर्स्ट, वो सोशल डेमोक्रेसी चाहते थे कि एक समाज में समता, भाईचारा और जो सबको बराबर न्याय मिले, उस तरह का समाज स्थापित करना चाहते थे जो सम्राट अशोक कर पाए थे। तो बाबा साहब उस विचारधारा को सबसे पहले उन्होंने सोशल डेमोक्रेसी पर काम करने की बात कही थी, और उसके बाद आपकी जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है ये उसके बाद की बात है। और अगर आपकी सोशल डेमोक्रेसी स्ट्रांग नहीं होगी तो आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कभी भी खत्म की जा सकती है, और वो अब हो रही है क्योंकि आपको सोशल डेमोक्रेसी को बार बार जो है कि खत्म, आपको भाईचारे का ये सब चीज़ों का ये क्या है, ये सब चीज़ें आपके सामने दिखाई दे रही हैं कि सब चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है, तो सोशल डेमोक्रेसी ही एक आपको मजबूत जड़ प्रदान कर सकती है। तो हम बाबा साहब की उस सोच को लेकर के कि सोशल डेमोक्रेसी कैसे इस्टेब्लिश हो, जो हमारे महापुरुषों की सोच थी, जो सब प्रबुद्ध भारत की सोच थी, जो माननीय काशीराम जी की सोच थी, एक काशीराम जी थे जिन्होंने बाबा साहब को अच्छे से समझा, और समझ करके आप लोग सभी जानते हैं जब बाबा साहब की डेथ हुई थी कि ये मनुवादियों ने उनको दिल्ली से छोड़ करके नागपुर ले जाकर दफना दिए थे, वो हमसे पहले बाबा साहब को अच्छी तरह समझ गए कि एक बाबा साहब नहीं है, ये बाबा साहब एक विचारधारा है। और अगर जितनी बाबा साहब की विचारधारा हमारे समाज के लोग समझ गए, और ये जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, जो हम लोग हैं, अगर बाबा साहब की विचारधारा को समझ गए तो उस दिन ये सबको उखाड़ फेंकेंगे। तो उन्होंने यहाँ न दफना करके उनको जा करके नागपुर में दफनाया था, इसीलिए दफनाया था कि यहाँ से बाबा साहब की विचारधारा, और वो समय से नहीं, वो लगातार इस बात को लगे हैं कि बाबा साहब की विचारधारा को कैसे कमतर किया जाए, इस पर उनकी रिसर्च जारी है, और बाबा साहब विचारधारा कैसे लोगों तक न पहुंचे, इसीलिए दुनिया भर के आखंड पाखंड जो भी चीज़ें जितनी भी होती हैं इनको किसी तरह से इसी गुलामी में उलझा रखो, ये बाबा साहब न जान पाए ना समझ पाए। लेकिन माननीय काशीराम जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने बाबा साहब को फिर से एक बार जिंदा कर दिया, उन्होंने हम तक गली गली घर घर तक बाबा साहब विचारों को फैला दिया, तो मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तो साथियों, यहाँ पे हम इसलिए नहीं आए हैं कि हमें किसी को ये कहना है कि भाई आप बौद्ध धर्म को अपनाइए, बड़े खुले मन से अपनाइए, आई एम ऑल्सो बौद्धिस्ट, और हमने तो बहुत पहले बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म जीता भी हूँ, बौद्ध धर्म में अपने सारे करता हूँ, हम इस बात को नहीं किसी से विरोध करते हैं, ये बाबा साहब को दिया हुआ है और बाबा साहब का आखिरी में यही दिया था कि भाई ठीक है, अगर आप इस धर्म से अगर आपको इस छुटकारा मिलना है तो आपको बौद्ध धर्म को अपनाना पड़ेगा, अंत में आपको वहीं पर लक्ष्य था उनका। तो इसलिए इन सब चीज़ों के साथ मैं आप सभी का जो है कि एक बार से फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोग बिल्कुल भी अपने मन में यह शंका न रखें कि वी आर कोई, हम कोई आपको कुछ तरह से वो कर रहे हैं, हम तो सिर्फ बाबा साहब की बातों को जो अनएक्सप्लोर्ड अम्बेडकर में रख गया था उसको हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो अनएक्सप्लोर काशीराम जी में रख गया था हम उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और अपने महापुरुषों को अच्छे से समझ करके बूझ करके, और कैसे जीते थे, कैसे सोचते थे, कैसे उनकी थिंकिंग थी, अगर वो होते तो क्या होता, इन सब चीज़ों पर रिसर्च करके अपने समाज को, ये पांच सब्जेक्ट तो हम एक ट्रेनिंग के रूप में हम लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, ट्रेंड होते हैं उन पांच सब्जेक्ट में, अगर हम पांच सब्जेक्टों को समझ लें तो हमारी असली मुसीबत की जड़ की समझ में आती है। तो हम इसलिए पांच सब्जेक्ट डिफाइन किए हैं काफ़ी रिसर्च के बाद, ये पांच सब्जेक्ट अगर हमारे समझ के समाज के समझ में जाएगा, हमारे समझ के लोग इसको में ट्रेंड होंगे, अपने लोगों को समझाएंगे, तो हमारा समाज जो है कि अपने आप जो है कि सोच विचार करने वाला और कौशल पर भी समाज बनेगा, और ये कोई रास्ता है जो शासनकर्ता समाज जमात को बन सकती है। जब तक हमारा समाज सोशल मतलब थिंकिंग स्किल के बारे में सोच विचार करने वाला नहीं होगा, तब तक जो है कि हम जो है कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो हमारी यही बात आप सब लोगों से एक बार गुजारिश है कि आप किसी भी तरह से जो है कि इस तरह का न करें, धन्यवाद। और हमारे आप सबकी लंच की भी व्यवस्था है, और जिसको भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अभी भी हमारे अम्बेडकर जी हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सीताराम जी।
घड़ी का टाइम भी देख रहा हूँ, ट्रेन का टाइम भी देख रहा हूँ, लेकिन अभी क्वेश्चन वालों का टाइम बहुत है, अब लंच का भी टाइम हो गया, लंच ऊपर तैयार है, और प्रोग्राम के बाद जो भी कहना है वो सीधे बात कर सकते हैं। और हमारे बलजोर सिंह, जो श्रद्धेय बलजोर सिंह हैं, वो जवाब देंगे गौतम जी का और रोशन लाल जी का, लेकिन प्रोग्राम के बाद देंगे, प्रोग्राम के बाद देंगे। गौतम जी का जवाब देंगे बलजोर सिंह जी, वो रुके रहे यहीं पर, और यहीं के साथ लंच का प्रोग्राम है, लंच करिए आप। थैंक यू, आप आ जाइए एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए आप आ जाइए, बस एक ही मिनट प्लीज। मेरे सभी श्रद्धेय साथियों, मैंने अनुशासन बनाते हुए जो मंच का संचालन कर रहे थे महोदय जी से, उनसे एक मिनट का टाइम लिया है। मैं शॉर्ट में अपनी बात कहना चाहता हूँ, शब्द शब्द गढ़ रहा हूँ अर्थ के लिए, और शब्दों का ही अर्थ होता है अनर्थ के लिए। सोच से समझ बनती है और समझ से संस्कार और संस्कृति बनती है। ये जो कुछ मामला है हमारी सोच का है। यदि हम अपना आदर्श परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब को मानते हैं, और बाबा साहब को यदि हमने पढ़ा है, और बाबा साहब को यदि हमने समझा है, वो फोटो लगा हुआ है भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान में कहीं पे भी जाति का जिक्र नहीं है, और जो बाबा साहब का मानने वाला और भारतीय संविधान में विश्वास रखने वाला यदि किसी मोमेंट में जाता है और वो ये सोच के जाता है कि मैं मानता तो सब अपनी बेनिफिट के लिए, लेकिन बदलूंगा मैं बिल्कुल नहीं, तो ये सब सोच के ऊपर है। अभी मेरे साथी डीपी सील हैं, माने हुए पत्रकार हैं, बुद्धिस्ट हैं, और दिल्ली में 200 बौद्ध विहार से ज्यादा हैं। 200 बौद्ध विहारों में बाबा साहब ने धम्म की ओर इसलिए आकर्षित किया था कि वहां पर मानव मानव को इंसान समझा जाता था, लेकिन डीपी सील की लड़की जब जवान हुई तो 200 बौद्ध विहारों में ऑफर दिया गया कि मेरी बेटी की शादी से कोई बुद्धिस्ट विचारधारा का आदमी आगे आना चाहता है तो मैं उस बुद्धिस्ट विचारधारा के आदमी के साथ शादी करूंगा। लेकिन जो लोग अपने को धम्म का झंडा उठाते हैं, लेकिन वो लोगों की ऐसी सोच बता रहा हूं मैं कि वो लोग भी उनकी बैकग्राउंड खोदने लगे, किसी ने उनकी शादी से लड़की से शादी नहीं की, क्योंकि ये जो कीड़ा है ये उनकी सोच से बाहर निकल नहीं पा रहा है। मैं दिल्ली पुलिस में नौकरी करता हूं, अभी यही वर्तमान में ही पोस्टिंग है मेरी थाना करावल नगर में। जब मैं मिशन मूवमेंट में पूरे भारत में जाता था तो मेरी बेटी बेटा ये कहते थे, पापा जी तुम तो मिशन क्या चलाते हो। मतलब बेटा आप जब मेरे बराबर पे आएंगे, जब बाबा साहब के झंडे और डंडे को पढ़ लेंगे तो आपके अंदर भी जुनून पैदा होगा। तो मेरी बेटी ने जब एमए एमफिल पीएचडी बुद्धिज्म से दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, आज उसकी समझ में आया कि इस ब्राह्मणवाद ने इस हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को किस तरह से यातनाएं देता है, किस तरह से परेशान कर रहा है। आज उस लड़की ने संकल्प लिया है कि मैं इस समाज को जगाने के लिए पूरा जीवन न्योछावर कर दूंगी, हमें बच्चे नहीं बनाने हैं। और मैंने जो दूसरी लड़की की शादी की है, मैंने जाति भी समाज बनाने के लिए दिन रात एक करता हूं, मेरे अंदर कोई जाति की भावना लेकर के मैं बात नहीं करता। मैंने ओबीसी समाज में अपनी बेटी को ब्याया है, और आप ये झूठ मानते हो तो छावला एक गांव है दिल्ली में, मैंने तीसरी बेटी की शादी जानबूझ करके वाल्मीकि समाज में एक सगाई भी कर आया था, लेकिन वो लोग उनकी सोच नहीं थी ऐसी। हम तो बुद्ध में भारत का सपना देखना चाहते हैं, जाति कंसेप्ट हमारे दिमाग में नहीं है। हम बुद्ध भी बने, जैसे मान लीजिए पहले हमको ढेड़ चमार जाटव अम्बेडकर बाद और फिर बुद्धिस्ट, और बुद्धिस्ट के होने के बाद भी हम उसी कीड़े में घुसते जा रहे हैं, फिर भी हम जाति की बात। अभी तक मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो बुद्धिस्ट होने के नाते जिसने अपनी दूसरी बिरादरी की जाति में शादी की हो, वो अपनी जाति का ही आदमी ढूंढता रहता है। ऐसे बुद्ध में भारत नहीं होगा, जाति हमारे मन
दिमाग का कीड़ा है। जाति छोड़ो समाज।